सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की ओर से दायर अर्जी पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी आज। याचिका में सिसोदिया ने पत्नी के उपचार और अन्य घरेलू खर्चों के लिए अपने खाते से रुपए निकालने की इजाजत मांगी है। मनीष सिसोदिया के बैंक खातों को ईडी ने सीज कर रखा है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में चल रही सुनवाई में सिसोदिया आज पेश होंगे। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में पेश होंगे मनीष सिसोदिया। और बता दें कि लगातार उन्होंने पहले जमानत याचिका लगाई थी। उनकी पत्नी की खराब सेहत के चलते पत्नी से मुलाकात के लिए उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन वहां पर कई सारी मुसीबतों का सामना जो है मनीष सिसोदिया को करना पड़ा था। और आज एक बार फिर से सुनवाई है मनी लॉन्ड्रिंग केस पे कोर्ट में। आज मनीष सिसोदिया पेश होंगे।